हेलो, वेलकम फैमिली सागा। आज मैं लाल चींटियों को भगाने का एक तरीका बताने जा रही हूँ। हमारे घर में बिना बुलाए ही चींटियों की दस्तक शुरू हो जाती है। वैसे तो चींटियाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत करती हैं। किचन हो, प्लांट्स हो, हर जगह ये बहुत परेशान करती हैं। तो हम लोगों को क्या है, चींटियों का हमने बहुत तरीके आजमाए। कुछ ने बोला आटा रख दो, किसी ने बोला चींटी चीनी रख दो, शुगर रख दो प्लेट में। लेकिन होता क्या है ना कि वो थोड़े देर के लिए तो आ जाती हैं, फिर उनके इतने सारे होते हैं कि फिर वो कहीं ना कहीं से फिर दोबारा वहीं आ जाती हैं। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जैसे चींटियाँ हैं, चींटियों का ये कॉलोनी होती है, तो वहाँ से निकल के अपना कहीं जाती रहती हैं अपना सर्च ऑफ फूड। तो हमें मोस्टली उस कॉलोनी पे करना है, और जो रास्ता जिस रास्ते पे जा रही हैं उस पे डैब 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 हमको करते जाना है। ये तो घर की बात हो गई। और रही बात प्लांट की, तो प्लांट के में क्या होता है कि ये निकलती हैं, प्लांट के नीचे बहुत सारी रहेंगी और ये किनारे किनारे पूरे में चलती रहेंगी और ये जड़ों को बहुत खाती हैं। तो हमें इनको प्लांट पे नहीं रखने देना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट की जड़ों को खा के और पौधे मर जाते हैं। तो मोस्टली तो हमें उनकी कॉलोनी को सर्च करना है, जैसे वो जहाँ से निकल रही हैं। बाय चांस यदि वो नहीं मिलता है तो जिस जहाँ जहाँ वो जा रही हैं, जिधर से भी जा रही हैं, उन सारे रास्तों पे डैप कर देना है। जो मैं बताने जा रही हूँ, जिस तरीके को बताने जा रही हूँ उसको ऐसे करना है। अब इस चीज़ को करने के लिए हमें थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो ये आप लोकल मार्केट में किसी भी फर्टिलाइजर की शॉप पे जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमको कोई इंसेक्ट के लिए पाउडर दे दो, जो चींटियाँ और काकरोच वगैरह के भी काम आते हैं। तो वो देखिए ये पाउडर है, ठीक है, और हमें एक कैंची और एक ये आपका ऐसा एक कपड़ा कॉटन का ले लीजिए, जो मैंने देखिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ ये है कपड़ा। अब आप इस पाउडर को एक या दो चम्मच इस कपड़े में ऐसे डाल दीजिए, और डालने के बाद इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें आप। मैं इस चीज़ को गार्डन के बारे में बताने जा रही हूँ कि जैसे अब ये हमारे हर प्लांट पे लगी हैं, मोस्टली लगती हैं, गर्मियों में तो बहुत लगती हैं, क्योंकि अब देखिए अब प्लांट के मान लीजिए चारों तरफ चींटियाँ हैं, इस पे हैं। अब हमें क्या करना है, प्लांट को ऐसे करके और धीरे से ऐसे कर देना, और इनके नीचे जरूर जाना है। अब क्या होगा, चींटियाँ इस पे चढ़ेंगी और इनके पूरे शरीर में ये लगेगा, और इसके तुरंत ही बाद वो मर जाती हैं, और फिर कम से कम नहीं ही आती हैं उसके बाद, तो 99% नहीं आती हैं। और यदि आप आ भी जाती हैं तो आप ये प्रक्रिया दोहरा दीजिए। इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम जब डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा डाल रहे हैं। इसी से मैंने पोटली बनाया कि इनमें लिमिट में पड़े, इसमें लिमिट में पड़े, तो इससे मुझे फ़ायदा तो बहुत होता है। नुकसान एक ही है कि पॉइजन है ये, तो हमें थोड़ा सी सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको प्लीज़ दूर रखें, लेकिन यकीन मानिए कि इससे चींटियों का आप 10 बार और कम करेंगे, लेकिन इससे इस पोटली से चींटियों का सफाया एकदम निश्चित है। आपको मैं दिखाऊंगी ऐसा ही मेरे घर में भी ऐसी चींटियाँ चल रही हैं, मैं कैसे उनको करती हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और लेकिन आपको फ़ायदा तो श्योर होगा, एक बार आप करके आजमा के देखिएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।